अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। हम जब भी किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं, उस पैमाइश के अंदर एक हद तक अनसर्टेनिटी का फैक्टर मौजूद रहता है, और उस फैक्टर का मैग्नीट्यूड दरअसल सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाता है। एज स्टेटेड अर्लियर, फिजिक्स इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स, बट अनफॉर्चुनेटली वेन एवर अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, देयर इज इनएविटेबली सम अनसर्टेनिटी अबाउट इट्स डिटरमिंड वैल्यू। के फिजिक्स के साथ जिस चीज, जिस क्वांटिटी की पैमाइश की जाती है, उसके अंदर एक हद तक अनसर्टेनिटी का फैक्टर मौजूद रहता है। दिस अनसर्टेनिटी मे बी ड्यू टू ए नंबर ऑफ रीजंस। इस अनसर्टेनिटी की कई सारी वजूहात हो सकती हैं। वन रीजन इज द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड। उस अनसर्टेनिटी की एक वजह यह है कि हम किस तरह का इंस्ट्रूमेंट उस मिकदार को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी नो दैट एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड टू अ सर्टन स्मॉलेस्ट डिवीजन, एंड दिस फैक्ट पुट अ लिमिट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी विच मे बी अचीव्ड वाइल मेजरिंग विद इट। आपको पता है कि हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक खास हद तक मेजरमेंट के लिए कैलिब्रेटेड होता है, और वो कैलिब्रेशन की हद इसके अंदर पाई जाने वाली अनसर्टेनिटी का लेवल डिफाइन करती है। मिसाल के तौर पर एक जो मीटर रूल है वो एक मिलीमीटर से कम दुरुस्तगी से नहीं नाप सकता। वर्नियर कैलिपर एक मिलीमीटर के दसवें हिस्से से कम दुरुस्तगी से नहीं नाप सकता, और इसी तरह माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक मिलीमीटर के सौवें हिस्से से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं नाप सकता। यानी हर इंस्ट्रूमेंट के साथ एक्यूरेटली नापने की एक हद है, और जो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। सपोज दैट वी वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रॉड कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर्स। लेट द एंड ऑफ वन पॉइंट ऑफ द लाइन लाइज बिटवीन 10.3 एंड 10.4 सेंटीमीटर मार्क्स। बाय कन्वेंशन इफ द एंड ऑफ द लाइन डज नॉट टच और क्रॉस द मिड पॉइंट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन, द रीडिंग इज कन्फाइंड टू द प्रीवियस डिवीजन। इन केस द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सीम्स टू बी टचिंग और हैव क्रॉस्ड द मिड पॉइंट, द रीडिंग इज एक्सटेंडेड टू द नेक्स्ट डिवीजन। इसको आसान तरीके से समझाने के लिए आप ये समझ लें कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, और हम उस स्ट्रेट लाइन को एक मीटर रूल के साथ नाप रहे हैं। उस स्ट्रेट लाइन का एक सिरा 10.3 सेंटीमीटर और 10.4 सेंटीमीटर के दरमियान है, अगर तो वो एंड पॉइंट उसके मिड पॉइंट से पीछे है, तो हम अपनी मेजरमेंट को 10.3 तक कंसीडर करेंगे, और अगर
उस लाइन का वो एंड पॉइंट उस सेंटीमीटर के, उस मिलीमीटर के एंड पॉइंट से, यानी मिड पॉइंट से आगे है, तो हम अपनी रीडिंग को 10.4 कंसीडर करेंगे। यानी एग्जैक्ट वैल्यू 10.3 भी नहीं है और 10.4 भी नहीं है। रिवायतन हम सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे कि अगर उस लाइन का सिरा उस मिलीमीटर के हाफ से पीछे है तो हम उसको 10.3, और अगर उसके हाफ से आगे है तो हम उसको 10.4 कंसीडर करेंगे। द रीडिंग एक्सटेंडेड टू द नेक्स्ट डिवीजन। एंड इसी तरह बाय अप्लाइंग द अबव रूल पोजीशन ऑफ द एज ऑफ ए लाइन recorded as 12.7 centimeter with the help of a meter rod calibrated in millimeters may lies between 12.65 centimeter and 12.75 centimeter। अब इसी तरह ये समझ लें कि हमने जो मेजरमेंट 12.7 कंसिडर की है और एन मुमकिन है कि उस लाइन का एंड पॉइंट 12.65 सेंटीमीटर और 12.75 सेंटीमीटर के दरमियान हो। दस इन दिस एग्जाम्पल द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज 0.05 सेंटीमीटर। इट इज इनफैक्ट इक्विवेलेंट टू एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, हाफ अबव एंड हाफ बिलो द रिकॉर्डेड रीडिंग। यानी जब हम किसी लाइन की लंबाई नापते हैं तो दरअसल हम उस लाइन के दो सिरों की पोजिशन नापते हैं, तो एक सिरे की पोजिशन नापते हुए उसमें 0.05 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी आ सकती है और जब दूसरा सिरा नापेंगे तो उसमें भी 0.05 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी होगी। तो पूरी लाइन की लेंथ नापते हुए जो अनसर्टेनिटी है दोनों एंड्स की रीडिंग रिकॉर्ड करते वक्त, दैट वुड बी 0.1 सेंटीमीटर। और ये याद रखें कि जब भी हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ले रहे हों तो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ली जाने वाली रीडिंग के अंदर अनसर्टेनिटी उसके लीस्ट काउंट के बराबर होती है। चूंकि आम मीटर रूल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, जब हम इसके एक सिरे की पोजीशन नापेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी वहां पे होगी और जब हम दूसरे सिरे की पोजीशन नापेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी वहां मौजूद होगी। अब चूंकि इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन का डिफरेंस उस लाइन की लेंथ होगी और लाइन की लेंथ में जो अनसर्टेनिटी का फैक्टर मौजूद होगा, दैट वुड बी इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। द अनसर्टेनिटी और एक्यूरेसी इन द वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी कैन बी इंडिकेटेड कन्वेंशनली बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी रिकॉर्ड की गई वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी का मैग्नीट्यूड हम उसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। द रिकॉर्डेड वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट इज 12.7 सेंटीमीटर कंटेन 3 डिजिट्स 1, 2 एंड 7। यानी जिस लाइन की लंबाई हमने 12.7 सेंटीमीटर नापी थी
अच्छा, मिसाल के तौर पर एक ऐसी लाइन की लंबाई जिसको मेयर किया गया था 12.7 सेंटीमीटर, कंटेन थ्री डिजिट्स 1, 2, 7, आउट ऑफ विच टू डिजिट्स 1 and 2 आर एक्यूरेटली नोन, वाइल द थर्ड डिजिट इज अ डाउटफुल वन एज ए रूल। इसको ये देखें कि ऐसी लाइन जिसकी लंबाई 12.7 सेंटीमीटर थी, इसके अंदर तीन डिजिट्स हैं 1, 2 and 7, इनमें से 1 और 2 तो ऐसे डिजिट्स हैं जो कि एक्यूरेटली नोन हैं, और 0.7 यानी सेवन्थ थर्ड डिजिट ऐसा है जो कि डाउटफुल है। तो एज अ रूल इन एनी मेजरमेंट, एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन इतनी छोटी सी है कि किसी मेजरमेंट के दौरान लिए गए तमाम एक्यूरेटली नोन डिजिट और एक डाउटफुल डिजिट की तादाद को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द सिग्निफिकेंट फिगर इज वन विच इज नोन टू बी रीजनेबली रिलायबल इफ द अबव मेंशनड मेजरमेंट इज टेकन बाय अ बेटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज एग्जैक्ट अप टू 100th ऑफ ए सेंटीमीटर, इट वुड हैव बीन रिकॉर्डेड एज 12.70 सेंटीमीटर। यानी इसमें एक डिजिट और शामिल हो गया है। इन दिस केस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 4, दस वी कैन से दैट एज वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक वी एक्सटेंड द मेजर्ड रिजल्ट टू मोर एंड मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड कॉरस्पॉन्डिंगली इम्प्रूव द एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। यानी अगर हम एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, और सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बढ़ाने के लिए लीस्ट काउंट को छोटे से छोटा होते चले जाना होगा। मिसाल के तौर पर ये जो मीटर रूल है ये 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेट है, वर्नियर कैलिपर उस मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक एक्यूरेट है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक एक्यूरेट है, और अगर हमें इससे ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो लीस्ट काउंट इससे भी छोटा करना पड़ेगा और सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बढ़ जाएगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गिव ड्यू अटेंशन टू सिग्निफिकेंट फिगर एंड वी मस्ट नो द फॉलोइंग रूल्स इन डिसाइडिंग हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर टू बी रिटेन्ड इन द फाइनल रिजल्ट। इससे अगले लेक्चर में हम चंद एक वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसका फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे हों तो उसके अंदर कौन कौन से डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे, कौन कौन से सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, या किसी ली गई मेजरमेंट से इन्फियर किए गए रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होगी। तो ये इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में चंद ऐसे रूल्स को बयान करने की कोशिश करेंगे कि जिनकी मदद से हम किसी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए और कौन से नंबर उसमें एज सिग्निफिकेंट फिगर एडेड होने चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप लोग इसको बार बार सुने
अपनी बुक से इसको रीड आउट करने की कोशिश करें और किसी कन्फ्यूजन की सूरत में आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं ताकि आपके जहन में आने वाला कोई भी क्वेश्चन उसको आंसर किया जा सके। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।